राघव जलप्रपात में छात्र गिरकर लापता। मानिकपुर तहसील से कुछ दूर स्थित राघव जलप्रपात पन्ना घाट में पिकनिक मनाने गए रौनक पुत्र विचित्र पांडे के गिरकर लापता हो जाने के बाद पीड़ित के नाना अंगद त्रिपाठी, मामा आदित्य त्रिपाठी, मां व परिजनों समेत पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। देर शाम तक गोताखोरों के न पहुंचने को लेकर परिजनों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। हालांकि पुलिस सीओमू सत्या खान, प्रभारी निरीक्षक के मिश्रा, यूपी रायल 100 के पुलिस कर्मी, मध्य प्रदेश डभौरा के फोर्स के साथ प्रयास जारी रहा, लेकिन छात्र का कोई पता नहीं चल सका है। ये घटना लगभग दोपहर 12 बजे लगभग की है। कुछ बच्चे अपने ट्यूशन टीचर के साथ यहाँ घूमने आए थे, तो यही जो जलप्रपात है इसी में किसी कारण से जो है फिसल करके नीचे गिर गए। दो बच्चे जो है अंदर चले गए, तो एक तो बच गया है जिसका नाम जो है प्रिंस चौधरी, IDI कर रहा था, वो तो बच गया, लेकिन काफ़ी छोटे उसको आई है, जो जिला अस्पताल यहाँ रेफर कर दिया गया है। दूसरा बच्चा रौनक पांडे है, जो कक्षा 10 उसको अभी काफ़ी खोजबीन हम लोग कराए बुलाए गए थे, घूमने वाले गोताखोर भी, मऊ से भी और लोकल जो गोताखोर थे, लेकिन विश्वलता नहीं, क्योंकि इतनी तेज बहाव है कि तलाशने में दिक्कत आ रही है। और अलग से MP का चूँकि बॉर्डर है, वहाँ का भी गोताखोर कल आएंगे, तो कल सुबह फिर 8 बजे कह दिया कि 8 बजे से चालू करें, इसमें हो सकता है कुछ सफलता मिले। थैंक यू।